जोड़ी पे बहुत कुछ निर्भर है इस मैच का। करण भाई बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए और ये फुटा गेंद और वहां पे सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कुलदीप, रन हो जब साइड पे, इधर ले ले भाई तीन चार, ऐसे शिफ्ट हो जाओ आखरू इधर आ। 93 रन चाहिए। और ये देखिए बहुत ही लंबा छक्का सुदीप के बैट से आता हुआ, अटूट साइड दर्शक तालियों की के साथ, और जितना आवाज बेडिल के तरफ से नहीं आया उतना एक बंदा ऋषभ भाई सुपर फैन बेडिल का। और अब आ गए हैं नितिन गुड्डे अपना खुद का दूसरा ओवर लेके, और नितिन गुड्डे का सामना करेंगे आयुष धर्माले, कुल्लू गरम गरम। और नहीं चाहिए, चलो बॉयज चलो, कम ऑन कम ऑन, 87 रन के ओवर में चाहिए, 87 रन ये मैच जीतने के लिए बेडरिस को, और सिक्स बचाने हैं मैवरिक को। अब देखते हैं नितिन गुड्डे क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। सामने है हरीश धर्माले, दोहादार बल्लेबाज, उतने ही बेहतरीन गेंदबाज, ये मुकाबला देखना लायक होगा, बहुत ही अच्छा मुकाबला। अरे फुटा के दो फुटा था, उतनी अच्छी तरीके से खेला हुआ ये शॉट, वहां पे उत्कर्ष चाकरू मौजूद, तेजी के साथ एक रन पूरा करते हुए कुलदीप, और आयुष शर्मा ने अब नितिन का सामना करेंगे कुलदीप राणा। खुले तौर पे बताते हुए कि उधर ही मार रहा है स्ट्रैटेजी, फुलटा गेंद और वहां पे अगर फील्डर मौजूद होता तो वो कैच हो सकता था, बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। अब चाहिए 82 रन, 834 बॉल, फुलटा गेंद का पूरा फायदा उठाया और मिड विकेट के ऊपर से सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए ये शॉट खेला कुलदीप राणा। अब नितिन टू सुदीप, अगले गेंद क्योंकि इसके लिए इनिंग की अभी बची है, कुलदीप राणा बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में भी उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, ऑलराउंडर क्रिकेट पट्टू, पुराने बॉल कम पड़ रहे हैं, तो वो बॉल नहीं आते क्या वापस, पुराने बॉल की वजह से बॉल है ही नहीं चल तक ना जाए, पीछे वो गया बॉल भी नहीं आया, वो जब पीछे बॉल गई तो आई थी। गुड डे, देखिए अब क्या करते हैं, सामने है कुलदीप राणा, पांच रन आए दो बार गेंदों में, अच्छा प्रतिक्रमण, और अब पूरी उम्मीदें हैं नीत और आयुष धर्माले जोड़ी के ऊपर, अच्छा विकेट चक्का है नितिन गुड्डे ने, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कुलदीप राणा,
सुबोध राणा की जगह लेने गए हैं कोठारी। तो भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं राहुल, इसके लिए इधर रखो पास में, इसके लिए मिड विकेट पे रखो है। सफलता दी है अभी पहले ओवर में भी विकेट चलता था। अबे रुक ना, अबे अर्पित और रोहित का गैप देख कितना है। फील्ड में तब्दीली करते हुए कैप्टन आदिराव और ये देखिए आते उठा के मारा है पर वहां पे विनर मौजूद है। अरे विकेट चक्का तो होगी जिनको देखना चाहते हैं और वो चल वहां पे विनर मौजूद पहले ही गेंद से उठा के मारा था दिनेश कोठारी ने और सीधा उत्तर के हाथ में कैच थमा बैठे और उसका कोई चीज नहीं थी। और अब हैट्रिक गेंद नितिन गुंडे की और अब इस विकेट के पतन के बाद गए हैं डॉक्टर रोहन कटकल। लेकिन गुड लेग इस ओवर के दो बॉल बची है और सामने है आयुष धर्माले जिनके ऊपर पूरी उम्मीदें है अब टीम की और उसी तरीके से सजावट करते हुए नितिन गुड्डे ये हैट्रिक के में देखते हैं हैट्रिक ले पाते हैं नितिन गुड्डे। बॉलिंग बॉय बॉलिंग छोड़ दी आयुष धर्माले ने और शायद लगा था मैवरिक को ये हैट्रिक हो सकती है हैट्रिक से थोड़ा हुआ ये गेम। लोअर फुट ऑन और एक रन के लिए उसका चाकर जब तक ये पकड़ लेते तब तक एक रन करा और अब तीन गेंदों में चाहिए 81 रन पांच ओवर में 81 रन और अब लेके आए उसका चाकर को। दोनों टीम में बहुत ही अच्छे अच्छे गेंदबाज अच्छे अच्छे बल्लेबाज तो दोनों जिधरिंग टीम फाइनल खेल रही है तीन गेंदों में चाहिए 82 रन उत्कर्ष के सामने है आयुष धर्माले और ये भूटान के का पूरा फायदा नहीं उठा पाए देश की दिशा में चला हुआ ये शॉट और पेड़ों के बीच में जारी हुई नो बॉल करार कर दिया पैसे तो तीन रन आएंगे बॉल एक ही नहीं दो 79 रन चाहिए अभी लेकिन और ये उठा के मारना चाहते थे पूरा बल्ले पे आई नहीं थे कोई रन नहीं सेवेंटी एट रन चाहिए अभी 35 गेंदों में और एक वाइड गेम 77 रन 77 रन चाहिए
29 गेंदों में, 7 29 गेंदों में 77। और ये देखिए आयुष शर्मा ने बहुत ही बढ़िया शॉट देश की दिशा में खेलते हुए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर खेलने के लिए धुआंधार बल्लेबाज आयुष शर्मा ने 300 जरूरत है उसको पारी की अंदाज में खेलते हुए। अट्ठाईस गेंदे 71 रन उत्कर्ष ठाकुर के सामने आयुष शर्मा ले और एक नो बॉल और एक रन नो बॉल के साथ एक रन आता हुआ अट्ठाईस गेंदों में चाहिए 69 रन। उत्कर्ष ठाकुर अपना रन अप बढ़ाते हुए दोनों बॉल डाले इस ओवर में उत्कर्ष ठाकुर ने सामने आयुष शर्मा ले और आगे आगे बढ़ के खेलना चाहते थे अब चाहिए 69 रन 27 बॉल आयुष शर्मा ने खेल रहे 11 रन पे रोहन गंजल अभी अभी आए कोई बॉल नहीं खेला हुआ है उत्कर्ष ठाकुर रन दिया है लेकिन गुड्डे ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है उल्टा गेंद और सीधा बाउंड रन के बाहर 6 रन के लिए आयुष शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अब चाहिए 63 रन 26 बॉल 26 गेंदों में चाहिए 63 रन 85 पिच से 7.4 ओवर के बाद टीम का स्कोर है अब 26 गेंदों में चाहिए 63 रन बहुत ही कड़ा मुकाबला दोनों टीमें जीतती हुई सुपर फाइनल महामुकाबले में और ये धोनी जैसा हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे लोअर फुल टॉस मार के एक रन पूरा करते हुए इस एक रन के साथ टीम का बनता हुआ स्कोर 86 रन 86 7.5 ओवर रोहन गंजल अपना पहला बॉल खेलेंगे और ये आज की गेम कोई रन नहीं और आज चाहिए 24 गेंदों में चाहिए 62 रन 24 गेंदे 62 रन 6 विकेट गवाए हैं डेविस ने और आयुष शर्मा ने अभी भी क्रीज पे मौजूद है जिनसे पूरी उम्मीद है डेविस को ये मैच जीतने की और नितिन गुड्डे ने 2 ओवर किए हैं 14 रन दिए 3 विकेट लिए हैं और इसी बीच में थोड़ा सा सबको बताना चाहता हूँ मोहित मिश्रा 3 रन बनाया आज 8 गेंदों में शशांक भाई ने 6 रन बनाए 6 गेंदों में सागर अग्रवाल आज 0 पे आउट हुए कुलदीप सिंह 21 रन बनाए 10 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के के साथ उन्होंने ये पारी खेली डॉक्टर प्रदीप यादव अच्छे लय में नजर आ रहे थे उन्होंने 29 रन बनाए 12 गेंदों में 4 छक्कों की मदद के साथ आयुष शर्मा ने खेल रहे 18 रन पे 11 करना करना और 2 छक्के उन्होंने जड़े अभी तक और गेंदबाजी में चरण भाई ने किए हैं 2 ओवर 24 रन देके 1 विकेट छक्का है साहिब रहेगा ने 1 ओवर 3 रन 2 विकेट छक्के हैं नितिन गुड ने 2 ओवर किए हैं 14 रन दिए हैं 3 विकेट छक्के हैं और अभिनव ने 1 ओवर डाला है 18 रन दिए हैं उत्कर्ष ठाकुर ने 2 ओवर में 25 रन ये टॉप
देखते हैं किसके हाथ में ये बॉल समाते हैं। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हुए हम सब लोग कि थोड़ा जल्दी मैच स्टार्ट करें क्योंकि बॉल दिखना बंद हो जाएगा बाद में। अभी 5:30 बजे है, 5:20 मिनट हो चुके हैं। रोमांचक मैच यहाँ पे होता हुआ, सुपर फाइनल का ये महामुकाबला उतना ही अच्छा जाता हुआ, लाखों की तादाद में जो दर्शक मौजूद है उनका पूरा मनोरंजन होता हुआ यहाँ पे, सभी दर्शक अति उत्साही। सिर्फ अमरोरा में से ही नहीं तो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। अभी अभी एक एरोप्लेन यहाँ पे लैंड हुआ है, मैच देखने के लिए बाहर से लोग आए। इतना कड़ा मुकाबला यहाँ पे जारी है। अभी किया है बॉल हाथ में साहिल भाई के, अभी साहिल भाई ने एक ओवर डाला था, 3 रन दिए थे और 2 विकेट चक्का है। देखते हैं अभी ओवर में सामने है आयुष धर्माले। ये भी सही है कि टीम इंडिया ने 2 दिनों में ही मैच खत्म करके अभी ये रोमांचक मैच देखने के लिए आई होगी। साहिल भाई का सामना करेंगे आयुष धर्माले। धुरंधर बल्लेबाज साहिल टू आयुष, और ये उठा के मारा है शरण, और ये बहुत ही अच्छा किया है, क्या किया है या मैच किया है आने वाला पल बताएगा। बहुत बड़ा झटका के लिए, बहुत बड़ा झटका। अब चाहिए 62 रन 23 बॉल। साहिल भाई ने 3 विकेट लेते हुए इनिंग में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। साहिल भाई ने अच्छा खेल रहे थे, आयुष धर्माले जरूरत है अपने टीम को जरूरत थी, और ये आवाज करती हुई नागरिक की टीम। वन 48 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। अब चाहिए 62 रन 23 बॉल, 23 गेंदों में चाहिए 62। और अब आ गए कैप्टन ओनर ऑर्गेनाइजर हर्ष शर्मा, और हर्ष शर्मा सामना करेंगे साहिल का। साहिल ने 3 विकेट चक्का है अब तक, 3 रन दिए कुल 1.1 ओवर में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है साहिल ने, और कितनी मेहनत की है साहिल ने और रन में आती हुई आज। ये देखिए बहुत ही अच्छा शॉट, और इसी विकेट के साथ पूरा किया है। और अब रोहन गटकल के पूरे उम्मीदें हैं नेल डेविस की, रोहन गटकल क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। 22 गेंदों में चाहिए अभी 60 बन रहा है, 22 गेंदे 7 विकेट हो चुके हैं टीम नेल डेविस, 7 से 7 विकेट को ये। और ये भाई इसी वजह से एक कैच इतना आसान तो नहीं था, अगर पीछे होते तो ये कैच लपक पाते, हार्ड कैच था, अगर ये कैच होता तो 4 विकेट चक्काते। साहिल भाई अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये उठा के मारा सीधा बाउंड्री रन के बाहर, 6 रन के लिए रोहन जक्कर। रोहन जक्कर के उम्मीदें अभी बरकरार टीम डेयर डेविल्स को। अब चाहिए 54 रन, 30 गेंदों में चाहिए 54, और जब तक रोहन जक्कर जीतते हैं तब तक उम्मीदें तो बरकरार रहेगी डेयर डेविल्स की। साथ दे रहे हैं गुड कैप्टन हर्ष शर्मा, आगे आगे मारा है वहां पे नितिन गुड्डे मौजूद, अच्छी फील्डिंग करते हैं नितिन गुड्डे, इसलिए 1 रन पूरा करते हुए इन 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 95 रन। ओवर की आखिरी गेंद
पांच ओवर में जो है 12 रन देखिए सामने हर्ष भाई देखते हैं अब क्या करते हैं हर्ष भाई और तीन गेंदों में चाहिए सुपर रन 53 रन बॉल सेफी भाई की कुछ पीछे पैरों पे और ये अच्छी गेंद की थी दो ओवर खत्म करते हुए 12 रन दिए 3 विकेट सकता है और अब चाहिए 18 गेंदों में 53 रन 18 गेंदे 53 रन टीम पे है रोहन जक्कल हर्ष शर्मा और ये रोहन जक्कल ने पॉइंट की दिशा में खेला है वहां पे उसकी अच्छी तरीके से दिखी है सरदार जी ने गेंदों में चाहिए थे 53 अब 17 गेंदों में चाहिए 52 और शरण भाई को चेयर करते हुए लल्ला लल्ला चेयर कर रहे हैं थोड़ी सी परेशानी होती है शरण भाई को शायद उनको लगा कि फील्डर मोदी ने अपनी जगह पे सामने हर्ष भाई और ये देखिए लाजवाब शॉट कैप्टन के बैट से आता हुआ लंबा छक्का और ये कैप्टन इनिंग खेलते हुए हर्ष भाई आप चाहिए 46 रन 16 गेंद और उठा के मारा है अब चाहिए 40 रन 15 गेंदों में चाहिए 40 रन 15 गेंदे 40 रन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन इनिंग ऑर्गेनाइजर इनिंग जो भी चाहिए वो इनिंग खेल रहे आज हर्ष भाई ठान लिए उन्होंने कि मैं छक्के पे छक्के ही मारूंगा कौन बोल रहे हैं सुधीर भाव ने बोला है क्या हर छक्के पे 1000 देंगे और ये वाइड गेम आप चाहिए 39 रन 15 गेंदों में 39 रन 15 गेंदे 39 रन वाइड गेम थोड़ा सा महंगा और साबित होता हुआ चरण भाई का और एक मारा है आज बढ़ाने के बाद 4 रन के लिए क्या पारी खेल रहे हैं हर्ष भाई हर्ष भाई बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए 14 गेंदों में चाहिए आप 35 रन 14 गेंदों में चाहिए 35 रन आप थोड़ा रुख बदला है बाहर से आप बोल रहे हैं कि हर एक छक्के पे हर्ष भाई ही देंगे बाहर वालों को 1000 रुपये थोड़ा सा डर लगता हुआ बाहर के दर्शकों को 35 रन चाहिए 14 गेंदों में 14 गेंदे 35 रन सामने हर्ष भाई 2000 बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जिस तरीके के बल्लेबाजी की जरूरत है उसी तरीके की बल्लेबाजी करते हुए अभी भी मैच रोमांच से भरपूर और ये अच्छी गेंद रन रन नहीं है कोई आप
चाहिए 13 गेंदों में 35 रन, बराबर है ना, 13 गेंदों में 35 रन। और एक शॉट मारा है और ये बाउंड्री 31 रन, 31 रन चाहिए। ये बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ चरण भाई का, बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए हर्ष भाई, टीम की पूरी जिम्मेदारी दी है खुद के कंधों पे। आप जाइए 31 रन और 3000 रुपए देने पड़ेंगे हर्ष भाई को, अभी सुखिल भाई को सुपर फैन जो बने हैं सुखिल भाई। दो और बची है, अब आए हैं नितिन गुड्डे, नितिन गुड्डे रेड्डी, देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है नितिन गुड्डे ने अब तक, नितिन ने दो ओवर में 12 रन लेकर 3 विकेट छक्का है और आप चाहिए दो ओवर में 31 रन, दो ओवर 31 रन। सामने है रोहन गच्छल, देखते हैं अपने कैप्टन को कितना साथ दे पाते हैं। सामना भी बहुत तेज तर्रार गेंद पर चल रहा है, नितिन गुड्डे रोमांच से भरपूर ये मैच। और ये बाउंड्री आता हुआ पहले ही बॉल पे और ये 27 रन चाहिए 11 गेंदों में, 11 गेंदों में चाहिए 27 रन, 11 गेंदे 27 रन। जितने भी दर्शक उठ के जाना चाहते थे उनका पैर नहीं रहा। अब और ये रिपोर्ट आता हुआ रोहन गच्छल के रूप में और ये अब इस विकेट के पतन के बाद इसका स्कोर है 121 रन, 8 विकेट 27 रन चाहिए अब 10 गेंदों में, 10 गेंदे 27 रन आने के बाद का। भावसार आए अब रोहन गच्छल के विकेट के पतन के बाद, सामने गुहादार बल्लेबाजी कर रहे हैं खुद कैप्टन हर्ष शर्मा, देखते हैं अब कैप्टन कितना और लंबा खींच पाते या मैच जीत पाते, ये तो आने वाले हैं दो ओवर जो 10 गेंदे बची है वो बताएंगे। सामने नितिन गुड्डे, नितिन गुड्डे ने 14 विकेट लिया इस पारी में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दो ओवर दो रन, दो ओवर दो बॉल में 18 रन दिए नितिन गुड्डे ने। तो हार बाय और ये बहुत ही अच्छी गेंद, लोअर फुटर था पैरों पे ले लिया और ये और बहुत ही अच्छी है, अगर ये विकेट अगर ये बॉलर एंड पे बॉल होती तो शायद ये विकेट होता। दो रन बहुत तेजी के साथ पूरे किए हैं, जिस तरीके से पूरा 100% से भी ज्यादा 200% दे रहे हैं हर्ष भाई आज अपने टीम के लिए। 25 रन चाहिए, अभी 9 गेंदे बची है मैच की, महामुकाबले की 9 गेंदे, 9 गेंदों में चाहिए 25 रन, 8 विकेट हो चुकी है, फिर भी अभी भी जज्बा बरकरार रखते हुए कैप्टन। बहुत ही तगड़ी पारी के लिए हर्ष भाई ने अब तक उस पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। सामने की टीम गुड ले, देखते हैं अब दोनों में से कौन जीतता है। और एक अच्छी गेंद और एक पूरा करते हुए 24 रन, 8 गेंदे बची है, सामने है अनिकेत बावसार, 2 गेंदे बचे और नितिन गुड्डे की, 4 विकेट चक्का है अब तक, देखते हैं 5वां विकेट चक्का पे है क्या या अनिकेत बावसार क्या करते हैं। 2 गेंदे बची है और और ये भी मारना चाहते थे वहां पे सेठी भाई मौजूद और
कितना रोमांच, कितना रोमांच इस मैच में आया है ये बाउंड्री लाइन देख के पता चलता है। टीम के सभी प्लेयर एक लाइन में जैसे खड़ा किया हो एक लाइन में, मेजर ने इसी तरीके से रुके हुए हैं सब बाउंड्री लाइन के ऊपर। और ये उठा के मारा है, देखते हैं पीछे गई है गेंद और दो रन डिक्लेयर जोन में मिलते हुए। आप चाहिए 21 रन, आखिरी ओवर कौन लेके आता है ये देखना पड़ेगा। अभी आखिरी ओवर में बहुत कुछ निर्भर करता है, अभी ये बहुत रोमांच भरा ये मैच। कैप्टन ने कुछ जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली और जितने भी दर्शक उठने जा रहे थे सभी को यहाँ पे रुकने के ऊपर रुकने को बोला है और अभी ये मैच देख के ही पूरा करके ही जाएंगे सब लोग। और गुल्लू जाते हुए अंदर आज भाई को कुछ टिप्स लेके आएंगे। 21 रन चाहिए, एक गेंद 21 रन। कैप्टन फुटबॉल लेके आते हुए, कैप्टन का एक ओवर बचा है। अब देखते हैं कैप्टन अपने टीम को बचा पाते हैं या हर्ष भाई अपने टीम की नैया पार करते हैं, ये तो आने वाली 6 गेंदें बताएगी। 6 गेंदों का ये खेल, क्रिकेट एक ऐसा खेल जहाँ पे सब प्रेडिक्शन फेल। और आप देखते हैं दोनों कैप्टन जुट रहे हैं अपनी टीम के लिए, एक तरफ हर्ष भाई एक तरफ अभिनव, टीम की सजावट करने में टाइम देते हुए हैं। अभिनव सामने है, अनिकेत बालसार सामने है, अनिकेत बालसार 6 गेंदे बची है, 6 गेंदों में चाहिए 21 रन, 6 गेंदे 21 रन, 21 रन चाहिए 6 गेंदों में। सब तरफ शांति, यहाँ पे सब शांति शांति है, धड़कने तेज होती हुई, लाखों की तादाद में जो दर्शक यहाँ पे मौजूद है हर एक की धड़कन तेज होती हुई। और ये उठा के मारा है, खुद कैप्टन नीचे है गेंद के और ये विकेट चटकाते हुए, ये 9वां विकेट गिरता हुआ। वेणुगोपाल अब अनिकेत के विकेट के पतन के बाद उनकी जगह लेने गए हैं, सफलता मिलती हुई। और एक अच्छी बात इसमें कैप्टन हर्ष ने की, स्ट्राइक चेंज किया। कैप्टन टू कैप्टन वेणुगोपाल आप चाहिए 21 रन, 5 गेंदें बची है। कैप्टन टू कैप्टन जिस कगार पे ये टीम खड़ी थी नागरिक फाइनल खेल रही है। पांच गेंदे 20 रन, बहुत ही स्लोर बन गया था। 5 गेंदे 20 रन और ये उठा के मारना चाहते थे कैप्टन हर्ष, बैट का अंदरूनी किनारा लगा दिया और 1 रन डिक्लेयर जोन में मिलता हुआ। अब 4 गेंदे 19 रन। और ये देखिए और एक अच्छा शॉट और बाउंड्री निकला हुआ। अब 3 गेंदों में चाहिए 14 रन, 15 3 गेंदे 15 रन। 3 गेंदों में जो रोमांच लाया है आज पूरे टूर्नामेंट में, उल्टा उठा के मारा है सुधा भगवान 6 रन। अब चाहिए 2 गेंदों में 9 रन, 2 गेंदों में 9 रन, 2 गेंदे 9 रन। कमाल की बैटिंग करते हुए कितनी तारीफ की जाए हर की उपनी का, किस तरीके से ये मैच में रोमांच लाया है उन्होंने हर भाई ने, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदे 9 रन। और ये भी
बहुत ही अच्छा प्रयास किया था हर्ष भाई ने। लास्ट बॉल है, लास्ट गेम में चाहिए 9 रन, आखिरी गेम 9 रन, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है हर्ष भाई ने। अब जिस तरीके से ये होना चाहिए था महामुकाबला, वैसे ही होता हुआ। सब तरफ तालियों की गूंज होती हुई। 14 गेंदों में 33 रन बनाया है हर्ष ने, 3 चौके और 3 छक्कों से अपनी पारी चले। और ये आखिरी गेंद, और देखते हैं नीरज क्या करते हैं। और ये मैच जीत लिया मैरिक ने, बहुत ही बड़ा मुकाबला ये टूर्नामेंट जीता है। जितनी तारीफ की जाए टीम मैरिक की उतनी कम है, जिन्होंने बहुत अच्छा जज्बा दिखाया पहले मैच से ही। और एक वक्त तो ऐसा लगता था कि ये टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं, लेकिन जिस तरीके से सभी ने ये टूर्नामेंट खेला है, इधर भी टीम है और हार्ड लक टीम गोल्ड डेविल्स, और कॉन्ग्रेचुलेशन टीम मैवरिक्स। एक नंबर इनिंग,
वेल प्लेड मैंने क्या बोला ना हार जीत जो भी एंटरटेन आपने किया ना यार ऑफ द टूर्नामेंट है मैंने तो मैच आ गया अरे तो जाने वाला चालू कर अंदर पडल परत काय करतो आहे सर जा लवकर चालू कर तुझी वाट बघतो आहे मी नाव मॅचला बघतो टाइम किती शाळे के बाद नोट 9 प्रो मैक्स रेडमी होगा तो प्लीज ला दे दो हेलो अरे वो गुट्टू का फोन किसने लिया क्या बैग मुझे कोने से टकले करते हो रिंग वाली
N95 पास किसका है? ये किसका है N95?
सब काम नहीं करते, हम ये सब काम नहीं करते। हम ही बोलते हैं ये सब, हम ही बोलते हैं, हम ही बंद करते हैं। भाई सब लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करवाने के लिए आ जाओ, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द टूर्नामेंट, गैदर योर प्लीज। जल्दी आ जाओ दशरथ जी देवा, काका और जीतू जी, अरे यहां बैठ जाओ।
एवरीवन सेटल डाउन। सो वी डिड यू एंजॉय द टूर्नामेंट? हमको जंगल से फोन आ गया है, बोले अगली बार हमारा नाम यूज मत करना, कोई दूसरा प्राणी पकड़ लो, किंग ऑफ द जंगल को यूज नहीं कर सकते हम। अच्छा तो दिस टाइम वी विटनेस न्यू ऑर्गेनाइजर्स, न्यू सपोर्ट स्टाफ एंड 10 टीम्स इंस्टेड ऑफ 8 टीम्स, 12 ओवर्स इंस्टेड ऑफ 15 ओवर्स, लॉट्स ऑफ चेंजेस, लॉट्स ऑफ हमारा ऑन द फील्ड एज वेल, बट अमेजिंग अमेजिंग स्पोर्ट्समैनशिप एंड क्रिकेट। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर्ष एंड टीम एंड द कमिटी एंड द स्पॉन्सर्स फॉर एन अमेजिंग एडिशन ऑफ एमिनर ऑफ क्रिकेट चैंपियनशिप। वी स्टार्ट विद द अवार्ड्स, वी गो मैच बाय मैच, काका जश्मा लगाएगा मैं बोलूँगा। ओके तो लायंस वर्सेस नाइट्स, द फर्स्ट मैच, बेस्ट बैट्समैन अंकुर भाटिया, बेस्ट बॉलर समीर बवेजा, कैन यू प्लीज कम हियर। बेस्ट बॉलर समीर बवेजा, स्टैलियंस वर्सेस डेयर डेविल्स, सौरव एज द बेस्ट बैट्समैन, सागर अग्रवाल एज द बेस्ट बॉलर। शुभम ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, लेकिन ये सौरभ के लिए है। सागर इज वन ऑफ दोज रेयर प्लेयर्स हू प्लेड एज मेनी टूर्नामेंट जितने वो फाइनल खेला है। सुपर किंग वर्सेज रॉयल्स, रवनीत सिंह एज द बेस्ट बैट्समैन, शिवम राठौड़ एज द बेस्ट बॉलर। सुमित इफ यू कैन कलेक्ट द अवार्ड की। नेक्स्ट वन बेस्ट बॉलर शिवम राठौर, ईगल्स वर्सेज पैंथर्स, महेंद्र भाई एज द बेस्ट बैट्समैन, चंद्रा भाई एज द बेस्ट बॉलर। दोनों महेंद्र भाई के ले लो। चंद्राबाई के लिए डॉक्टर को दे दो, चंद्राबाई का बेस्ट बॉलर। शशांक भाई है क्या? हाँ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट मैच टाइगर्स वर्सेस मैवरिक, बेस्ट बैट्समैन लल्ला एंड बेस्ट बॉलर देवा।
नाइट वर्सेस सुपर किंग्स। लैपटॉप मैंने हाथ में किसी के लिए दिया है, बेस्ट बैट्समैन अरुण है और बेस्ट बॉलर अंकुर। टाइगर वर्सेस लायंस अक्षय कचरे एंड शुभम तुपे, बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर। बैट्समैन अक्षय बेस्ट बॉलर शुभम। नेक्स्ट वाला रॉयल डेयर डेविल विक्की बंगे एंड कुलदीप। विक्की एज द बेस्ट बैट्समैन, कुलदीप एज द बेस्ट बॉलर। Stallion versus Maverick. Stallion versus Maverick. Sharan as the best batsman and Saurav K as the best bowler. Tiger versus Eagles, Bhavneesh Kohli as the best batsman, Harshal Tupe as the best bowler. Harshal is the best bowler. टाका ले जा रहा हूँ। मैवरिक्स एंड सुपर किंग्स, प्रशांत धाकड़ बेस्ट बैट्समैन, सुमित गांधी बेस्ट बॉलर। मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो भी अवार्ड यहाँ लिखे वही बता रहा हूँ दोनों। Panthers versus Tigers, again Kohli as the best batsman, Mahin Bhai as the best bowler. Daredevils and Lions, Ayush Dharmale as the best batsman, Dr. Pradeep as the best bowler. Batsman Ayush Dharmale, bowler Dr. Royals vs Eagles, Junaid as the best batsman, Ram as the best bowler. Knights vs Stallions, Knights vs Stallions, Sameer Baweja is the best batsman, Sarthak is the best bowler. अवार्ड के चक्कर में पूरे मैच देखे उन्होंने दो इधर ग्राउंड पे आते। टाइगर्स वर्सेस स्टैलियंस, कोहली अगेन एज द बेस्ट बैट्समैन, ऋषभ शुक्ला एज द बेस्ट बॉलर। सचिन, इंडिया को यही देखना था कि सचिन कोहली का अवार्ड ले जाए। Lions versus Royals, next one
साहिब भाई एज द बेस्ट बैट्समैन, जुनेद एज द बेस्ट बॉलर। Eagles vs Knights, Abhijit Tupe as the best batsman, Ankur Bhai as the best bowler. The next one is special because both awards go to one person, which is VK, both best batsman and best bowler to VK. Daredevil vs Super King, Navneet as the best batsman, Harsh as the best bowler. और ये दोनों में केमिस्ट्री ऐसी की शौक लगते हुए नवनीत इज द बेस्ट बैट्समैन, नाइट वर्सेस पैंथर्स, संदीप रमेश बेस्ट बैट्समैन, आशीष की बेस्ट बॉलर। Best batsman Sandeep and best bowler Ashish. Daredevils versus Mavericks, Mohit Mishra. These awards are not as per cricket rules because the organizers know more about how everyone played and whom they played. Cricket rules doesn't, so don't go and check saying abhi ye to alag de diya. Daredevils and Mavericks, Mohit Mishra is the best batsman, Doctor is the best bowler. The next one is Super King vs Eagle. Best bowler is Rohan. I don't recognize the best batsman. It says Chetan Tupe. Kaun hai bhai Chetan Tupe? Kaun hai Chetan Tupe? Kaun hai? Yaadash kam ho gayi hai khata. Bata si yaadash kam ho gayi hai. Wapas Vibhuti mein khelna hai. Lion versus Tiger, सबके चाहिए best batsman, Mohan Bhai और best bowler लल्ला। हर्ष राय Mohan Bhai Lion को कुछ तो मिल रहा है। Congratulations Mohan Bhai। Stallion versus Royals, Vijay Chauhan as the best batsman, Kailash as the best bowler. Vijay Chauhan. और कैलाश भाई कहीं जाना नहीं, अगला मैच टाइगर वर्सेस रॉयल्स में भी बेस्ट जो बॉलर आप ही हो, इधर आ जाओ। और बेस्ट बैट्समैन स्वप्निल भाई है। हाँ जो अपने वाले दिख रहे हो उससे तो फोटो ले लो। ईगल्स वर्सेस मैवरिक, again rare incident, both going to one. Charan, best batsman and best bowler.
स्टैलियन वर्सेस लायंस, सचिन पाटिल बेस्ट बैट्समैन, ऋषि बेस्ट बॉलर। इन्होंने नोट कर लिया छोटे बॉल किसने बोला था। The next award, the combo is Ayush Dharmale and Kuldeep Singh, but in reverse order, Kuldeep is best batsman and Ayush is best bowler. Super Kings versus Panthers, Mahen Bhai best batsman, Yash Narang best bowler. The next match, Eagles versus Daredevil, Shashank and Harsh. और अगला मैच पैंथर्स वर्सेस स्टैलियंस, बेस्ट बैट्समैन अक्षय और यश नारंग बेस्ट बॉलर। अक्षय एंड यश, अक्षय एंड यश, टाइगर्स वर्सेस नाइट। नो वंडर दिस गाइस ऑन द टॉप नाउ। कोहली, कोहली गेट्स बोथ, कोहली गेट्स बोथ, the best bowler and batsman, Kohli gets both. Agla Super Kings versus Lions, Lions Prasad Nayak the best batsman and the bowling Navneet Singh. No, backer ruk jaoge, owner ko aane do, ओनर को आने दो प्लीज। अगला मैच मैवरिक्स वर्सेस लायंस, सॉरी रॉयल्स, साहेब देसाई एंड चरण रहेगा। साहेब गेट्स बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बैट्समैन। अगला मैवरिक वर्सेस लायंस, बेस्ट बैट्समैन अभिनव, एंड बेस्ट बॉलर मिस्टर सलाथिया, जिसकी बॉल तो आती नहीं है। Royals versus Knights, best batsman Javed Khan and Saif Desai, best bowler. Javed Khan and Saif Desai. Agla Panthers versus Daredevil, Mahendra Patel, the classy batsman, and Sudhir Kakre.
The wonderful bowler. Mayan Bhai has been fabulous this tournament. Thank you. Next, Super Kings versus Tigers. Sandeep Nagane, best batsman. And Arun Samanbelli is the best bowler. Stallions vs. Eagles. Shubham Khare, best batsman. Nitin Dubey, best bowler. Woo! Nitin Dubey, ajo. Shubham Khare, put ka le lo bhai abhi. Best bowler, Nitin Dubey. Royals vs. Panthers, Vinay Kasat, best batsman, Sudhir Kakre again, best bowler. Hope DK will accept this award. Super Kings vs. Stallions, the best batsman, Shubham Khare, bahut arti hai. और ये बंदा तो और ही ज्यादा दर्द दिया है सुमित को दुर्गेश माइट वर्सेस मैवरिक अभिनव राजपूत प्रोहित एंड चरण रहेगा द बेस्ट कॉम्बो बेस्ट बैट्समैन चरण इज द बेस्ट बॉलर अरे साथ में ले लो भाई डेयरडेविल वर्सेस टाइगर्स ये ओरिजिनल है भाई अगेन शशांक बेस्ट बैट्समैन एंड अभिनव चौधरी बेस्ट बॉलर लल्ला नेक्स्ट वन मैच लायंस वर्सेस ईगल्स वो एक ही बंदे ने दोनों का बुलाने वाला है प्रसाद नायक उधर क्या देख रहा है आ जाना इधर अच्छा वो लालची आई लाइक टू डेडिकेट द बेस्ट बैट्समैन ऑन दिस वन टू जीशु जी इफ यू कैन प्लीज कम एंड टेक इट So that comes to the end for the league matches. We had 45 league matches actually. 45, can you believe it? It's been fabulous weekend. So many people who have sacrificed. मतलब कहीं जाना होता है, cancel किया है, बीबी से लात पड़ी, मार पड़ी, डांट पड़ी, सब कुछ खेला है इस डे के लिए. Very good, thank you very much. And now comes to the semi-finals and the final, the most interesting one. So yesterday the first match we had Tigers versus काफी सारे मैच हो गया ना फाइन टाइगर्स वर्सेस डेयरडेविल द वंडरफुल मैच द बेस्ट बैट्समैन गोज टू मोहित मिश्रा एंड द बॉलर गोज टू सागर अग्रवाल फैबुलस परफॉर्मेंसेस रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स अ
and the next one was Panthers versus Mavericks. This is one hell of a match, we all know. Why? Indeed. So the best action goes to Nitin Reddy. Aggression everywhere. Good performance. And the bowler goes to Vinay Kathar. And that brings the other match, the third one. Although place for three, Tigers versus Panthers. The one which have seen huge sixes around. Bhavnesh Kohli as the best batsman who got into 90. And Lalit, who had another stint as well as a fastest 50. So but this time you're getting it as a bowler. So you gotta hold another four for it. Kohli for batsman and Lalit for and the last one. Daredevils versus Mavericks, the final. The one and only final. Wonderful inning. Any guesses for the best batsman? I'm sorry guys. I don't want to disappoint you. It is Sachin. Bhuadar inning. A fabulous inning. Right from the first ball. It was extremely good. And the best bowler? And any guesses for best bowler? No. The aggression is there. Nitin Reddy. But on this note, I definitely want to say one thing for Sahil. He has changed the game. Those wickets have indeed changed the game. Extremely great performance there. Okay, that was for semi-finals and finals, guys. So now we have put a few more awards who've been extremely special during the game. And they have done something which the other people haven't done. They have done something which we haven't probably seen in here. So to begin with, six sixes in an over. And since Navneet is not there, no, I want someone else to take it. Ayush, if you could come. If you don't mind, buddy. No, Ayush, it's a... Navneet, agar tu dekhta rahega video mein, ye tera hai. Navneet ke liye. Exactly, yogdan zyada hai. Aur bahut himmat lagta hai bhai. Yahan pe aake wo trophy lene mein. Very good. Thank you very much, buddy. Appreciate it. And the next one, something happened today. Can anyone guess? Something happened today. Fastest 50. Any guess on how many balls? Dust game do me. Dust six. Yeah, six. No. Last six. Last ekka rah gaya tha. Alright. So the next one, hat-trick. Three balls and three wickets. Junaid gets this award for taking a hat-trick. It's not easy to take a hat-trick, at least on this ground. Bowler ki koi gitti nahi hai. So it's easy to hit six sixes, but not easy to put a maiden over or a hat-trick. So Agla, we are going to give two people we're going to really appreciate for their performance. They've been fabulous over through the game. However, they haven't been awarded because koi aur usse acha perform kiya gaya. Har baar. Matlab, simple si baaton mein Rahul Roy ban gaya. So aur koi aur hamesha usse acha karte the. So first one is Utkarsh. तो इसका मतलब है इनका कंट्रीब्यूशन टू द
win of the game or both games was fabulous and appreciated. However, someone else took the best award. That's right. Yeah. And the other one goes to similar case for Rahul Nambiar. He has been fabulous with his batting and fielding. He has caught some of the wonderful, fabulous catches. So now something again in this category which have done fabulously splendid. यहाँ पे यू सी यू डोंट गेट टू कैच द बॉल वेरी ऑफन बिकॉज एवरी वन टेंस आउटसाइड द पार्क सो दिस इज द बेस्ट कैच एनी गेसेस गाइस यार ओ जिंदी द बेस्ट कैच शरण शरण मैं एक सवाल पूछूं पहले नहीं बॉल मैं एक सवाल पूछूं भाई ये प्लान था कि एक पक गया लेकिन फैबुलस बहुत बढ़िया था एंड देन कम्स गाइस मोस्ट डिफिकल्ट एवरी बैट्समैन हेट हिम नाउ राइट मोस्ट डिफिकल्ट बंदे चिपक के बैठे हैं बट दिस गोज टू वन पर्सन माय एडमिशन मयंक भाई को एक और चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं हम लोग द डेडिकेशन द काइंड ऑफ हार्ड वर्क ही पुट अक्रॉस सो इट इज मच अप्रिशिएटेड थैंक यू भाई अभी हो गया बेटा ऑलराइट द नेक्स्ट वन इज मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यार मैं तो बोलता ही नहीं हूं यार राजा गोस टू बार्निश कोहली अगेन येट अगेन Atul, come on! Atul! Atul! AB. The one and only AB. But the next one is the person who hit almost every bowler. The best batsman award. And that again goes to Kohli. I don't want to exaggerate this anymore. And the next one, the guy who took most wickets, the best bowler. Who got a fabulous economy, who throw some of fabulous yorkers, batsman darte ise, das lakh, lala. And then guys, we have yet again we have fabulous, a special award. We wanted to treat a person of the player who have done fabulously. For the first time getting into this one as a debutant. Any guesses? Prashant Thakur. The first debutant. And one thing for him, he has done every damn thing in the on the ground. He has done batting mein 50 mara hai, wickets liye hai, keeping bhi kiya hai, fielding bhi kiya hai. He is an all-rounder. Good luck, buddy. And then the another one is Emerging Player Award. Emerging Player, which we probably haven't expected out of him, and he has done a fabulous job, and he has got a lot of more such kind of trophies coming in probably. And that goes to Mohit Mishra. Wish you all the best.
भाई लास्ट एक बचा है, टूर्नामेंट तो करवाया एक बंदा, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की और सुबह से लेके शाम तक, लेकिन इस बंदे के पीछे एक और बंदे का हाथ था, हर एक सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ रहता है याद है, लेकिन एक आदमी का है लेकिन यहाँ पे दोस्त है। गुड लक गाइस, पर्ची ले लो। Now comes to individual award now and and shall we now call for the first one? All right. So I like to call the third place first, the captain. We want to appreciate the owners first, the one and only who dreamt of the tournament, who had always been thinking about it. So पूरे हफ्ते हम लोग शायद काम के बारे में सोचते, लेकिन ये owner जो है ये हमेशा बस ये कप के लिए बारे में सोचते थे, तो कौन सा कप उठाएगा। तो वी वांट टू डेफिनेटली अप्रिशिएट फॉर दोज पीपल हु हैड पुट लॉट ऑफ एफर्ट, वी वांट टू अप्रिशिएट देम एंड गिव मोमेंटम। आजा टू बिगिन विद डे डेविल मीट। Tigers, Deva. The special one. Team Knight. And our favorite Panthers. Then comes Royals. Maverick, Abhi, Aja Abhi, Saath mein Aja, it'll be nice. A successful joint venture. My old owner, please. Super King. Stallion. Eagle, Kaka. Okay, now we're gonna call for the third position, who had a best bowler, best batsman, and MVP, and none other than Deva for his Tigers. Come on, Tigers, make some noise! Come, make some noise! You'll get medals first, and then a trophy. Please, please, sir.
मत करो भाई। कंग्रेचुलेशन गाइस, यू हैव टू मेक सम नॉइस, इट्स एन अचीवमेंट। 10 टीम है, उसमें 3 है यहाँ पे, तीसरे नंबर पे कंप्लीट किए हैं, इट्स एन अचीवमेंट। ओके, बी प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ। And now the winner gets the trophy for third position. Akash, Suraj, Pailo Adam. More delay, we'll call the runner-up. Daredevil, please join them. Guys, make some noise as well. You finished second. That means a lot, actually. Yeah? So you have to be proud of yourself. गरम डॉक्टर प्रदीप, the captain or whoever is going to take it first. All right, team, run it up. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Congratulations, guys. अरे जो जो खेला नहीं है, जो lowest player है, उनको उनके हाथ में दे दो. कुछ उनके जो ज्यादा कैच हो रहा है उनको दे दो.
And now time for the winners. Come on, winners, make some noise. Whoa! Some more. You can make some more noise. Come on. अरे यार ये तुम लोग क्या टूर्नामेंट जीता यार, आवाज करो, कम ऑन। अरे नहीं इधर नहीं, अरे नहीं रुक जा ना यार। चलो गाइस टाइम फॉर द मेडल्स, मेडल लाइट आएगी, लाइट आएगी, ठीक है ना। जवान दाखो संडे परफॉर्मेंस सेफ है, ग्रेट परफॉर्मेंस बड़ी। Congratulations, buddy. All right, अभी देखता हूँ कितना आवाज आएगा। Time to make some noise from the winners. All right, the winner trophy goes to and the trophy goes to Maris, जो पूरे पूरे हाँ। Well done guys, well done. Hey, thank you.